बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। इंसान में जितने भी कमालात जाहिर होते हैं वो कमालात इंसान की रूह की वजह से जाहिर होते हैं, उसके जिस्म की वजह से जाहिर नहीं होते, बल्कि जिस्म तो एक ज़ाहरी सरापा है, इस जिस्म के ज़रिए से उस कमाल को इंसान जाहिर करता है, लेकिन हकीकत में वो कमाल इंसान के जिस्म में उस रूह की वजह से पैदा होता है। इंसान अगर साहिब इलम है तो इलम इंसान की रूह का कमाल है, इंसान अगर साहिब अकल है तो अकल इंसान की रूह का कमाल है, इंसान जो है इसी तरीके से किसी फ़न का माहिर है तो वो इंसान की रूह का कमाल है। तो गोया कि इंसान अगर अपनी आँख से अच्छा देखता है तो इंसान की रूह का कमाल है, ज़बान से अगर अच्छा बोलता है तो इंसान की रूह का कमाल है, क्योंकि ये रूह असल में बोलती है, ये ज़बान जो जिस्म का जो एक टुकड़ा है ये गोश्त का लोथड़ा नहीं बोलता बल्कि इसके अंदर से रूह बोलती है, ये आँख की पुतली नहीं देखती बल्कि इस आँख में से रूह देखती है, ये हाथ जो है वो गोश्त का हाथ नहीं पकड़ता बल्कि हाथ के अंदर रूह पकड़ती है, और ये वजह है कि जब इसके जिस्म से रूह निकल जाती है तो आँख तो होती है पर देखती नहीं है, कान तो होते पर सुनते नहीं हैं, ज़बान तो होती है पर बोलती नहीं है, हाथ तो होते पर पकड़ते नहीं हैं, कदम तो होते पर चलते नहीं हैं, दिमाग तो होता पर सोचता नहीं है, दिल तो होता पर धड़कता नहीं है। तो मालूम है कि ये जो जिस्म है ये जिस्म बेकमाल है, इसमें किसी किस्म का कोई कमाल नहीं है, सारे के सारे कमालात रूह के हैं। रूह इस इंसान की आँख की खिड़की में से झांकती है, रूह इस कान की खिड़की में से सुनती है, रूह इस ज़बान की खिड़की से बोलती है, रूह इस इंसान के हाथ पैर की खिड़की से जो पकड़ती है और चलती है। तो मालूम है कि सारे के सारे कमालात अल्लाह तबारक व तआला ने रूह के साथ मंसूब कर रखे हैं, इसलिए कि रूह के बारे में ख़ुद फरमाया कि व नफ़क्तु फ़ी मिन रूही, इस इंसान के जिस्म के सरापे में रूह मैंने अपनी तरफ से खुद फूंकी है।